बोल रम का नारा है। तुम्हारे पास माइक था, तुम जीजा नहीं हो। अच्छा तुम मतलब स्त्री हो कि पुरुष हो, तो फिर आवाज में बोलना चाहिए ना। तुमने वो माइक दिया इतना तेज तो आवाज इनकी और बोल्ड हो जाता। चल जाने दो, अच्छा अपन सब मिलके बोल रहे हैं, बराबर बराबर है, आवाज बिल्कुल जोरदार है, ऐसा नहीं। फिर भी हमारी जीजी की है सरकार, जीजा पानी भरे। दमदारी तो जीजी है, बहुत जोरदार बोली है वो। बोल सीताराम सरकार की, ददरुआ राम श्री हनुमान जी महाराज की। अब जोरदार इसको कहे आनंद है। शिव कथा कह रही है, हमें निंदा नहीं सुनना है, हमें निंदा से दूर रहना, परे बहुत कह दिया, शिव जी को रोक दिया। शंकर ने जवाब नहीं दिया, शिव जी वहां से चले। शंकर जी तो चले गए, पर सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिखे। सभा में आज भोलेनाथ जी नहीं दिखे। ब्रह्मा जी ने तुरंत गरुण देव को बुलाकर कहा, गरुण जरा जाकर पता करो कि भगवान शिव इस सभा में क्यों नहीं है, बाबा देवाधिदेव महादेव सभा में क्यों ना हो, जाओ जरा पता करो। कोई अपशब्द कहे ना पलट कर जवाब दो, कोई गाली दे ना पलट कर जवाब दो, कोई आड़ा टेढ़ा बोल दे नहीं पलट कर जवाब दो। बदला नहीं लेना अपने, बदला लेने में कई लोगों के तो कुल डूब गए, बदला लेने में कुल डूब गए, बदला लेने में पूरा वंश डूब गया, बदला लेने में पूरी जिंदगी खराब हो गई। महाभारत का चरित्र उठा लो, माता द्रौपदी जरा सी हंसी थी, उसका बदला लेने के लिए पूरा वंश मिटा बैठे। सोपनखा का बदला लेने के लिए रावण ने अपना पूरा कुल डूब, केवल बदला लेने के लिए। कई कई हमारे क्षेत्र में लोग ऐसे रहते हैं, मैं उससे बदला लेकर मानूंगा, और बंदूक उठाई ठोक दिया, तूने तो 5 मिनट में उसको मार दिया, और तेरा परिवार आज तक रो रहा है, आधे जेल में पड़े हैं आधे बाहर रो रहे हैं, ऐसा बदला लेना किस काम का, तूने तो उठाई ठोक दिया, उठाकर ठोका, बदला लेकर मानूंगा। तू तो बदला ले लेगा, तेरा परिवार तो जिंदगी भर रोएगा, तू जेल सड़ेगा, थाने में पड़ा रहेगा, कोर्ट के चक्कर काटता रहेगा, जिंदगी पूरी रोने में निकल जाएगी, बच्चे बड़े हो जाएंगे, तू जिंदगी भर बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ऐसा बदला लेना किस काम का। शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले एक बात अपने अंदर उतार लेना, रावण ने अपनी बहन का बदला लिया था, पूरा वंश मिट गया। दुर्योधन ने अपनी हंसी का बदला द्रौपदी से लिया, पूरा वंश मिट गया। जो जो बदला लेने की ठानता है, उसके परिवार में रोना ही रोना लिखा होता है, कभी सफलता नहीं होती। जो बदला लेने की ठानता है, कई कई लोग अकड़ में आकर कह देते, कई लोग अभी तुम यहां से इधर पीछे के रास्ते से अंदर मत आन दो किसी को, फिर देखना वो बोलेगा, देख लूंगा तेरे को बाद में, मिल तू बाद में, तेरे को बाद में निपटूंगा, अभी ज्यादा इतरा दिया है ना तूने, मेरे को चढ़ने नहीं दिया मंच पर, आज तू मेरे पास, तूने अभी मेरे को देखा नहीं है, अभी तूने मेरे को देखा नहीं है, आन दे मेरा समय, जब मेरा समय आएगा ना तेरे को बता दूंगा मैं क्या चीज, और गुस्सा होके गाड़ी उठा के भुड़ भुड़ करके चला गया। आगे गया तो एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, डॉक्टरों ने कह दिया समय आ गया। अभी क्या कर गया था, मेरा समय आंदे में बता दूंगा, समय कब किसका कैसा आ जाए किसको भरोसा है, किसको भरोसा। इसलिए मेरा निवेदन है, कभी ऊंचे बोल नहीं बोलो, किसी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, किसी से कितनी भी दुश्मनी हो जाए, कभी बदला लेने की मत ठानना कि मैं इससे बदला लूंगा। बदला लेने में पूरे रावण का वंश चले गया, सूर्पणखा का बदला लेने गया था, और मालूम पड़े पूरा सूर्पणखा साफ हो गया। दुर्योधन बदला लेने के लिए गया था कि द्रौपदी ने मेरे ऊपर हंसा है,
बदला लेकर मानूंगा और दुर्योधन का पूरा वंश नष्ट हो। घर की माताओं को चाहिए तुम्हारे बेटे की किसी से लड़ाई हो जाए, डंडा उठाकर बदला लेने जाए तो माताएं उसको समझाए हमें बदला नहीं लेना, हमें नहीं लेना बदला। तो लड़ाई करेगा, तलवार उठाएगा, छुरा उठाएगा, बंदूक उठाएगा, मार देगा, थाने में पड़ा रहेगा, तेरे छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर रोते रहेंगे। 5 मिनट का 10 मिनट का भूसा 10 साल तक जेल में सड़ा देता है, इसलिए वो 10 मिनट के गुस्से को चूल्हे में पटक दो और एंजॉय की जिंदगी जियो, खुश हो, प्रसन्न चित्त में अपने जीवन को जियो, स्माइल देकर, खुश होकर, आनंद के साथ। समझौता करना जानो, समझौता। जब थाने में जाते हो तो TI भी कह देता है, देखो आपस में मेल चेल कर लो, थोड़ी बहुत बातचीत करो, समझौता करो। उसको मालूम है TI को केस चलेगा 10 साल 20 साल 15 साल निकल जाएगा, पुलिस वाले को मालूम है 25 साल निकल जाएगा, ये जिंदगी भर ऐसे रगड़ाएगा, एक अंदर पड़ा रहेगा, इसलिए समझौता करो। निवेदन है, पति पत्नी में लड़ाई हो जाए समझौता करिए, आपस में बच्चों में लड़ाई हो जाए समझौता करिए। समझौता जिंदगी का एक सुख है, क्षमा कर देना एक आनंद है, बदला लेना आनंद नहीं है जितना क्षमा करना आनंद है। समझौता कर लीजिए, लड़ाई हो गई ना कोई बात नहीं, TI कहता है, पुलिस वाला कहता, थानेदार कहता, देखो बैठ जाओ आपस में समझौता कर लो, दोनों परिवार रो गए, अदालत में पैसा जाएगा, पैसा लगता चले जाएगा, जिंदगी निकल जाएगी, केस चलते चलते समझौता करो। समझौता जब आप थाने में जाकर आखिरी में जब केस समाप्ति नहीं होता तब समझौता करते हो, 25 साल निकल गए तब समझौता करा, तो कहीं खाक करा। समझौता पहले करिए, अपने दिल से समझौता कर चलिए, मुझे अगर कोई कह भी देगा तो मैं सुनकर निकाल दूंगा, पर किसी को मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुझसे बदला लूंगा, मैं कभी आड़ा टेढ़ा नहीं करूंगा, मैं समझौता लेकर चलूंगा अपने जीवन में। शंकर भगवान से सीख कर चलना, शिव जी कभी पलट कर जवाब नहीं देते, कभी पलट कर। शंकर भगवान ने जितने असुरों को मारा, एक भी असुर से एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, एक भी राक्षस से शंकर जी की दुश्मनी नहीं थी, एक भी। तो अंदाजा लगा कर देखो, वो भस्मासुर राजा था, एक बार प्रवचन सुन लिया उसने, और प्रवचन सुनकर भस्मासुर ने विचार कर लिया, मैं भगवान शंकर की पूजन करूंगा, शिव जी की पूजन में। लोग कहते भस्मासुर था, असुर था, राक्षस था, हम कहते उसके बराबर भक्त नहीं था भस्मासुर। लोग कहते तारकासुर असुर था, राक्षस था, हम कहते तारकासुर के बराबर कोई भक्त नहीं था। शंकर जी ने जिसको मारा सब उनके भक्त थे, भस्मासुर राजा था। पत्नी ने पूछा क्या कर रहे हो, शिव जी की आराधना, शंकर का शिवलिंग बनाता पूजन करता। शंकर भगवान उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए, मांग तुझे क्या चाहिए। भस्मासुर ने कहा आपके चरणों की सेवा दे दो, मेरे को राजपाट नहीं करना, मुझे तुम्हारी सेवा करना। शंकर भगवान ने कहा मेरे पास सब है, नंदी है, भृंगी है, श्रृंगी है, पत्नी है, सर्प है, गंगा है, सब है, मुझे तेरी जरूरत नहीं। नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपकी सेवा करूंगा चाहे कुछ भी हो, मुझे तो आपकी सेवा करना है, आप मुझे सेवा में रखो। शंकर भगवान ने कहा तो फिर एक काम कर, पार्वती जी से पूछा इसको कौन सी सेवा दे, पार्वती जी ने कहा एक काम करो, इसको भस्म लाकर चढ़ाने की सेवा दे, भस्म चढ़ाने की सेवा। हाँ, पार्वती जी के कहने पर शंकर भगवान ने भस्मासुर से कहा तू जा भस्म लाना, मेरे पर चढ़ाना, शमशान की चढ़ना चाहिए, इसके सिवाय कुछ नहीं, मुर्दे की भस्म मुझे चढ़े उसके सिवाय कुछ नहीं। अब भस्मासुर शमशान जाता, वहां से भस्म लाता, शिव जी को चढ़ा देता। शंकर बड़े खुश रहते, रोज यही करता, प्रतिदिन सुबह जाना, भस्म लाना, चढ़ाना। 6-7 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया, 4 साल निकल गए, 4th साल में भस्मासुर शमशान में भस्म ढूंढता रहा, क्योंकि कोई मर ही नहीं गया था, कोई मरे जले तो भस्म आए, अब कोई मरे ही नहीं तो भस्म कहां से आए। भस्मासुर को बड़ा गुस्सा है, भोलेनाथ जी ने मुझे सेवा दी और मुझे भस्म नहीं मिल रही, मैं करूं क्या। भस्मासुर की जो पत्नी थी बड़ी चतुर थी, उसने कहा देखो
जी की तपस्या करो, वर मांगो, जिस पर तुम हाथ रखो वो भस्म हो जा, उसी की भस्म शंकर जी को चढ़ा देना, अपनी कंपनी का माल चलता रहे, रोज कहीं ढूंढने जाना नहीं पड़ेगा, किसी के ऊपर हाथ रख देना, भस्म हुआ उठाया और चढ़ा दिया, कहां तक दूसरे की फैक्ट्री का माल लाओगे, अपनी खुद की फैक्ट्री चालू करो। सुन लिया भस्मासुर ने, लग गया तपस्या में, भस्मासुर ने तपस्या करी, शिव जी सामने आ गए, मांग तुझे क्या चाहिए, आशीर्वाद दो, जिस पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। शंकर भगवान की अड़भंगे थे, उन्होंने कह दिया तथास्तु, खुश होकर भस्मासुर घर गया। खुश होकर जैसे भस्मासुर घर गया, पत्नी को देखकर आनंदित हो गया, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ, क्यों, तेरे किरे पर मेरे शंकर जी से वर मांग लिया, आज अपनी फैक्ट्री चालू हो गई, मैं तुझे गले लगाना चाहता हूँ। पत्नी भाग गई पीछे, पत्नी को लगा फैक्ट्री की कंपनी का माल सबसे पहले मेरे ऊपर यूज कर रहे थे। पत्नी भागी, पति ने कहा कहां जा रही है, पत्नी के मैं अभी आ रही हूं। पति भाग, पत्नी भागती गई, भागती गई, भागती गई। पत्नी ने सोचा कब तक भागूंगी, कुछ अच्छा कर देती। इतने में पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो जी, वो भोलेनाथ है, शंकर जी है, अड़भंगे हैं, शंभू हैं, इतने सीधे हैं, जो मांगता है उसको दे देते हैं, कभी कभी उनका दिया आशीर्वाद भी लगता ही नहीं है, इसलिए प्रैक्टिकल करके देखो क्या उन्हें सही में आशीर्वाद दिया है। तो इतने में पति ने बोला, तू मेरे पास नहीं है, मैं तेरे सिर पे हाथ रख के देखता। पत्नी बोले, मेरे पे नहीं, जिसने दिया उससे पूछो। अब पत्नी गई शंकर भगवान के पास में, भस्मासुर गया, भोलेनाथ जी को याद किया, शंभो हर हर। शंकर भगवान आए, मांगो क्या चाहिए, उसने कहा बस तुम्हारे ऊपर हाथ रख के देखना है कि तुम भस्म होते हो कि नहीं। शंकर भगवान बोले, बता, हमने कंपनी खोली और ये हम पे प्रैक्टिकल कर रहा, शिवजी तो छोड़कर भागे, जो भोलेनाथ भागे पीछे पीछे भस्मासुर, आगे आगे भोलेनाथ, नारायण भगवान के पास पहुंच गए, नारायण भगवान की धर्म पत्नी लक्ष्मी जी मिली, प्रभु क्या बात है, कहां भाग रहे हो। लक्ष्मी जी ने कहा कि क्या हुआ, शंकर भगवान बोले पीछे भस्मासुर आ रहा है, जिसपे हाथ रखता वो भस्म हो जाता है। लक्ष्मी जी भी भंग गए, भागते भागते महादेव पहुंच गए सीधे नारायण के पास में, नारायण ने पूछा क्या हो गया, भस्मासुर आ रहा है, जिसपे हाथ रखेगा वो भस्म, जिसपे हाथ रखे वो बस। अच्छा ठीक है, जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। अब नारायण ने कहा चिंता मत करो, चिंता ना करो, चिंता ना कर। आज भगवान विष्णु ने सुंदर स्त्री का रूप लिया, भस्मासुर के सामने जाकर खड़े हो गए, शादी के मन की बात आ गई भस्मासुर के। भगवान विष्णु ने कहा, मैं जैसा नाचू वैसा नाचोगे तो मैं तुमसे शादी करूं। नारायण ने हाथ करा ऊपर, भस्मासुर ने हाथ करा ऊपर, नारायण ने दोनों हाथ करे ऊपर, भस्मासुर ने दोनों हाथ करे ऊपर, नारायण ने अपने दोनों हाथ रखे सिर पर, भस्मासुर ने जो रखे सिर पर हो गया। रावण को बाबा तूने लंका दिया, भस्मासुर को